हेलो दोस्तों, एसडीएम ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या के केस में नई चीज़ निकल के आ रही है। दोनों के बीच झगड़े क्यों हुए, असली वजह अब पता चल रही है। सामने आई ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या के झगड़े की असली वजह, लग्जरी कार से कोर्ट तक की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश के पीसीएस अधिकारी और बरेली एसडीएम ज्योति मौर्या, उनके पति आलोक मौर्या के मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। ज्योति ने अपने पति आलोक के ससुराल पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। खुलासा किया जा रहा है कि बता दें दोनों में एक दूसरे पर केस भी दर्ज करवाया है। वहीं ज्योति मौर्या के तलाक पर केस डीएम हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। तो दोनों की वजह असली निकल के ये आ रही है कि आलोक ने दहेज की मांग की थी और करीबन 50 लाख रुपए, एक कार और एक घर की मांग की थी, जिसकी वजह से आलोक मौर्या ने ये कथित तौर पर एक घटना, एक कहानी के तौर पर ये रचा मीडिया के सामने। मतलब रोया, मीडिया को सामने अपनी बातों को सही रखी, जिसके वजह से एसडीएम ज्योति मौर्या को काफ़ी दुख का सामना भी करना पड़ा। अब ये निकल के आ रही है कि ये सारी चीज़ें, आलोक की बातें बिल्कुल झूठी थी। जो भी उन्होंने मीडिया के सामने बोला, जो भी चीज़ किया, रोके, जो भी अपना दिखाया, सारी चीज़ें गलत थी। एसडीएम ज्योति मौर्या सही थी। ये पूरी चीज़ें आलोक मौर्या ने सिर्फ दहेज के लिए किया। दहेज के लिए वो अपनी पत्नी को कितना बदनाम किए, बहुत सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने अपनी पत्नी को बोला। और उनको इस समय तो बहुत ज़्यादा एसडीएम ज्योति मौर्या पे मीम्स बने, रील बनी, उनको काफ़ी ज़्यादा बोला गया शब्दों में। लेकिन ये सब करके आलोक मौर्या ने बिल्कुल भी नहीं सही किया, बल्कि उनके जीवन में एक भयंकर सा तूफान आ गया। अब वो, मेरे हिसाब से, अब जब वो आलोक मौर्या ने ज्योति मौर्या का केस वापस ले लिया है, लेकिन ज्योति मौर्या जल्द ही एक बड़ा कदम उठाने वाली हैं, आलोक मौर्या के ऊपर एक बड़ा ही केस करने वाली हैं। आप देखिए।